अभी हम लोग देखने वाले इलेक्ट्रॉनिक मकेनिक का सेमेस्टर टू जो कि है मॉड्यूल थ्री और ये जो हमारा है वो है वेब सेपिंग सर्किट वेव सेपिंग सर्किट में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे तो सारे क्वेश्चन में आप बने रहें चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मकेनिक सेमेस्टर टू का मॉड्यूल थ्री वेब सेपिंग सर्किट का इंपॉर्टेंट एमसीट्यूज इसमें कि हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीट्यू है वो है वाट आर द बेसिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर अ क्लिप क्लैपिंग सर्किट टाइपिंग सर्किट के लिए बेसिक कंपोनेंट क्या होता है जो कि जिसकी जरूरत पड़ती है ऑप्शन ए डायोड एंड रजिस्टर ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर एंड डायोड ऑप्शन सी डायोड एंड कैपेसिटर एंड ऑप्शन डी इज अ कैपेसिटर एंड रजिस्टर तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टें क्वेश्चन जो है वो है डायोड और रजिस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सर्किट ये सर्किट का नाम क्या है ऑप्शन ए हाफ वेव रेक्टिफायर ऑप्शन बी फुल वेव रेक्टिफायर ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन क्लिपर एंड ऑप्शन डी इज अ डीसी सी रजिस्टर सर्किट तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी कॉम्बिनेशन क्लिपर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विथ सर्किट गिव्स टू द आउटपुट वेब फॉर्म कौन सा सर्किट आउटपुट वेब फॉर्म देता है इस टाइप का ऑप्शन ए पिक क्लिपर ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन क्लिपर ऑप्शन सी बेस्ट नेगेटिव क्लिपर एंड ऑप्शन डी इज अ बेस्ट पॉजिटिव क्लिपर सही आंसर हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी है बेस्ट पॉजिटिव क्लिपर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विथ सर्किट इज यूज टू क्लिप प्रोटेक्ट टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल द इनपुट सिग्नल वोल्टेज ऑप्शन ए हमारा कॉम्बिनेशन क्लीपर सर्किट ऑप्शन बी है हमारा बेस्ट नेगेटिव क्लिपर सर्किट ऑप्शन सी बेस्ट पॉजिटिव क्लीपर सर्किट एंड ऑप्शन डी इज अ अनबेस्ड क्लिपर सर्किट तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए बेस्ड क्लीपर सर्किट कॉम्बिनेशन क्लीपर सर्किट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एप्प्लिक एप्लीकेशन द क्लैम्पर सर्किट इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा क्लैम्पर सर्किट का कौन सा एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है ऑप्शन ए रडार्स ऑप्शन बी रेडियो रिसीवर ऑप्शन सी स्टोरेज काउंटर ऑप्शन डी पावर सप्लाइज तो सही आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी जो की पावर सप्लाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द यूज ऑफ क्लैम्पर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्लैम्पर का यूज क्या है ऑप्शन ए फॉर सिलिंग बोथ पिक्स ऑप्शन बी फॉर पॉजिटिव पिक क्लैंपिंग ऑप्शन सी फॉर नेगेटिव पिक क्लैंपिंग एंड ऑप्शन डी इज द डीसी कंपोनेंट रेस्टोरेशन तो सही आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी डी सी कंपोनेंट रेस्टोरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वट इज द नेम ऑफ द सर्किट दैट शिफ्ट द original सिग्नल इन अ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन वो सर्किट का नाम बताए जो कि वर्टिक ऑरिजिनल सिग्नल को वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है ऑप्शन ए हमारा पिक क्लिपर सर्किट ऑप्शन बी है पॉजिटिव फ्रंट क्लिपर सर्किट सॉरी ऑप्शन बी है हमारा नेगेटिव क्लैंपिंग सर्किट एंड ऑप्शन सी है हमारा पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट और ऑप्शन डी इज़ अ कॉम्बिनेशन क्लैंपिंग सर्किट तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि है हमारा नेगेटिव क्लैंपिंग सर्किट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सर्किट डायग्राम इस सर्किट डायग्राम का फंक्शन क्या है ऑप्शन ए है हमारा सीरीज डायोड क्लिपर ऑप्शन बी पॉजिटिव सन्ट क्लिपर ऑप्शन सी नेगेटिव सन्ट क्लिपर एंड ऑप्शन डी इज अ कॉम्बिनेशन क्लिपर सही आंसर हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव सन्ट क्लिपर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्किट डायग्राम इस सर्किट डायग्राम का फंक्शन क्या है ऑप्शन ए नेगेटिव सीरीज क्लैपर है ऑप्शन बी सीरीज डायोड क्लेपर ऑप्शन सी पॉजिटिव सन्ट क्लेपर

पोटेशन ऑफ द नेगेटिव हाफ साइकिल इज सिग्नल इज रिमूव किस प्रकार के क्लिपर में जो कि सिग्नल को नकारात्मक नकारात्मक आधे चक्र का एक छोटा हिस्सा हटा दिया जाता है मतलब नेगेटिव साइड का एक छोटा सा साइड हटा दिया जाता है वो कौन सा सर्किट होता है तो ऑप्शन ए बेस्ट पॉजिटिव क्लिपर ऑप्शन बी बेस्ट नेगेटिव क्लिपर ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन क्लिपर एंड ऑप्शन डी इज अ पॉजिटिव क्लैम्पर तो उसका सही आंसर है हमारा बेस्ट ऑफ तो नेगेटिव क्लिपर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट दैट शिफ्ट द वे फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनलोड डाउनवर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग इट सेप मतलब सेप को बिना डिस्टर्ब के अपवर्ड से डाउनलोड में कौन शिफ्ट करता है और उस सर्किट का नाम क्या है ऑप्शन ए क्लिपर सर्किट ऑप्शन बी स्लैंपर सर्किट ऑप्शन सी बेस्ट क्लिपर सर्किट एंड ऑप्शन डी इज द कॉम्बिनेशन क्लीपर सर्किट सही आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी स्लैंपर सर्किट नेक्स्ट क्वेश्चन विद सर्किट गिविव द आउटपुट वेब फॉर्म कौन सा सर्किट आउटपुट पेफॉर्म देता है ऑप्शन ए पिक क्लिपर ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन क्लिपर ऑप्शन सी बेस नेगेटिव क्लिपर ऑप्शन डी इज अ बेस पॉजिटिव क्लिपर सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी बेस नेगेटिव क्लिपर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द फंक्शन परफॉर्म बाय द सर्किट ये कौन सा सर्किट और ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है ऑप्शन ए पॉजिटिव क्लैम्पर ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन क्लैम्पर ऑप्शन सी बेस पॉजिटिव क्लैम्पर ऑप्शन डी बेस नेगेटिव क्लिपर सही आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी कॉम्बिनेशन क्लैम्पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लीपर सर्किट क्लीपर सर्किट का फंक्शन क्या होता है ऑप्शन ए रेगुलेशन ऑप्शन बी रेक्टिफिकेशन ऑप्शन सी ऑप्शन डी इज अ वेब सेपिंग इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वट इज द नेम ऑफ द सर्किट दैट सिफ्ट द ऑरिजिनल सिग्नल इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन वो कौन सा सर्किट है जो कि सिग्नल को ऑरिजिनल uh, सिग्नल जो होता है उसको वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है ऑप्शन ए हमारा पिक क्लेपर सर्किट ऑप्शन बी नेगेटिव क्लेपर सर्किट ऑप्शन सी पॉजिटिव क्लैम्पिंग सर्किट ऑप्शन डी इज अ कॉम्बिनेशन क्लिपर सर्किट तो उसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि है पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विथ सर्किट द इनपुट सिग्नल एंड गिव्स द आउटपुट वेब फॉर्म ये इसका इसके बारे में पूछ रहा है ये वेब फॉर्म के बारे में ऑप्शन ए नेगेटिव क्लैंपर ऑप्शन बी पॉजिटिव क्लैंपर ऑप्शन सी नेगेटिव सन्ट क्लीपर ऑप्शन डी इज अ पॉजिटिव सन्ट क्लीपर तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि है पॉजिटिव क्लैंपर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट शुड बी द टाइम कांस्टेंट टी इज कल टू आर सी फॉर अ गुड क्लैम्पर सर्किट विथ रेफरेंस टू टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट सिग्नल ऑप्शन ए हाफ द टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल ऑप्शन बी डबल द टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल ऑप्शन सी फाइव टाइम द टाइम्स पीरियड ऑफ सिग्नल डी आर सी वैल्यू शुड बी एट इसका सही आंसर है हमारा वॉट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल अक्रॉस द डाइवर्ट इन द नेगेटिव क्लम्पर सर्किट सो ऑप्शन ए जीरो वोल्टेज ऑप्शन बी इक्वल टू इनपुट वोल्टेज ऑप्शन डी डबल द इनपुट वोल्टेज एंड ऑप्शन डी इज कल टू हाफ टू इनपुट वोल्टेज तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी डबल द इनपुट वोल्टेज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेन डज द बेस नेगेटिव क्लिपर रिमूवस द पायोरटेड ऑफ इनपुट सिग्नल ऑप्शन ए ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट ऑप्शन बी सिग्नल वोल्टेज इज लेजर देन बेस बैटरी ऑप्शन सी सिग्नल वोल्टेज इक्वल द बेस बैटरी वोल्टेज और वोल्टेजन डी इज वोल्टेज तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि सिग्नल वोल्टेज बिकम ग्रेटर देन बेस बैटरी वोल्टेज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेन दस द बेस्ड पॉजिटिव क्लीपर रिमूव द पैरटन ऑफ इनपुट सिग्नल मतलब बेस्ट पॉजिटिव क्लिपर इनपुट सिग्नल के हिस्से को कब हटाता है ऑप्शन ए ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट ऑप्शन बी सिग्नल वोल्टेज टू लेजर देन बेस बैटरी ऑप्शन सी सिग्नल वोल्टेज इक्वल द बेस बैटरी वोल्टेज एंड ऑप्शन डी इज द सिग्नल वोल्टेज बिकम ग्रेटर देन बेस इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि है सिग्नल वोल्टेज बिकम ग्रेटर देन बेस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच सर्किट सेव द इनपुट सिग्नल एंड गिव्स द आउटपुट वेव फॉर्म इस टाइप का विफ हम कौन सा सर्किट देता है ऑप्शन ए नेगेटिव क्लैम्पर ऑप्शन बी पॉजिटिव क्लैम्पर ऑप्शन सी नेगेटिव डायोड क्लैम्पर एंड ऑप्शन डी इज अ पॉजिटिव डायोड क्लैम्पर इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए नेगेटिव क्लैम्पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वॉट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल अक्रॉस द डायोड इन पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट सो मतलब दिखाए गए पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट में डायोड के पॉजिटिव आधे चक्र के दौरान आउटपुट वोल्टेज का मान कितना होता है ये सर्किट है आपका इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए जीरो वोल्टेज ऑप्शन बी इक्वल टू इनपुट वोल्टेज ऑप्शन सी डबल द इनपुट वोल्टेज एंड ऑप्शन डी इज अ हाफ ऑफ द इनपुट वोल्टेज इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी डबल द इनपुट वोल्टेज तो यहाँ पे हमारा चैप्टर थ्री खत्म होता है जो कि हमारा वेब सैपिंग सर्किट था नेक्स्ट आ, नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं वो हमारा चैप्टर फोर सेमेस्टर टू का चैप्टर फोर जो कि हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लास्ट तक वीडियो में बने के रहने के लिए थैंक यू सो मच